जिद्दू कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक, वक्ता और लेखक थे। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। उम्मीद लोगों में है, समाज में नहीं, व्यवस्थाओं में नहीं, बल्कि आप और मुझसे है। प्याला तभी उपयोगी होता है जब वह खाली हो और एक मन जो विश्वासों से भरा हुआ है, हट धर्मिता के साथ, दावों के साथ, उद्धरणों के साथ, वास्तव में एक असृजनात्मक मन है। मूल्यांकन किए बिना निरीक्षण करने की क्षमता बुद्धि का उच्चतम रूप है। अकेले रहना खूबसूरत है। अकेले रहने का मतलब अकेले होना नहीं है, इसका मतलब है कि मन समाज से प्रभावित और दूषित नहीं है। संतोष सुख नहीं है, संतोष ठहराव और क्षय है, जबकि सुख जीवन और विकास है। अपने आप में पूरी दुनिया निहित है, और यदि आप जानते हैं कि कैसे देखना और कैसे सीखना है, तो द्वार है और कुंजी आपके हाथ में है। पृथ्वी पर कोई भी आपको खुद के अलावा चाबी या दरवाजा खोलने के लिए नहीं दे सकता है। अधिकांश लोग दुखी हैं, और वे दुखी हैं क्योंकि उनके हृदय में प्रेम नहीं है। जो तुम हो वही संसार है, और आपके परिवर्तन के बिना संसार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक लिली या गुलाब कभी दिखावा नहीं करता है, और इसकी सुंदरता यह है कि यह वही है जो यह है। रिश्ता एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप हैं वैसे ही। खुशी अजीब होती है, यह तब आता है जब आप इसे खोज नहीं रहे होते हैं, जब आप खुश रहने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, तो अप्रत्याशित रूप से, रहस्यमय तरीके से खुशी होती है, पवित्रता से, होने की सुंदरता से पैदा होती है। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक किताब पढ़ते हैं, एक परीक्षा पास करते हैं और शिक्षा के साथ समाप्त होते हैं। आपका पूरा जीवन आपके जन्म के क्षण से लेकर आपकी मृत्यु तक सीखने की एक प्रक्रिया है। विचार इतना चालाक है, इतना चतुर है कि वह अपनी सुविधा के लिए हर चीज को विकृत कर देता है। यदि आप इसे बदलने की कोशिश किए बिना यह समझना शुरू कर देते हैं कि आप क्या हैं, तो आप एक परिवर्तन से गुजरते हैं। यदि हम मौजूदा स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद को बदलना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। भय मनुष्य में विनाशकारी ऊर्जा है। यह मन को कुंभला देता है, यह विचार को विकृत कर देता है, यह सभी प्रकार के असाधारण, चतुर और सूक्ष्म सिद्धांतों, बेतु के अंधविश्वासों, हठधर्मिता और विश्वासों की ओर ले जाता है। यदि हम वास्तव में समस्या को समझ सके, तो उत्तर उसी में से निकलेगा, क्योंकि उत्तर समस्या से अलग नहीं है। और जैसे हम हैं संसार है, यानी अगर हम लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिस्पर्धी हैं, तो हमारा समाज प्रतिस्पर्धी, ईर्ष्यालु, लालची होगा, जो दुख और युद्ध लाता है। राज्य वही है जो हम हैं। मुक्त होना इस दुनिया को बदलने या ठीक करने से नहीं आता है, बल्कि इस दुनिया को वैसे ही देखने से और इसके बीच में दिल खोलने से आता है। समाज में परिवर्तन गौण महत्व का है, यह स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से आएगा, जब आप एक इंसान के रूप में अपने आप में बदलाव लाएंगे। मैं बदलाव के पक्ष में हूँ, भले ही इस प्रक्रिया में गलती हुई हो, गलतियां मायने नहीं रखती। केवल बच्चों को बहुत सारी जानकारी से भर देना, उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करा लेना, शिक्षा का सबसे नासमझ रूप है। ज्यादातर लोग अकेले खड़े होने से डरते हैं, वे चीजों को अपने लिए सोचने से डरते हैं, गहराई से महसूस करने, जीवन के पूरे अर्थ का पता लगाने और खोजने से डरते हैं। शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक जिज्ञासु मन की खेती है।
अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही पहला कदम है और पहला कदम ही एकमात्र कदम है। असली सीख तब मिलती है जब प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है। असंख्य जटिलताओं से हमें सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपने आंतरिक जीवन में और अपने बाहरी आवश्यकताओं में सरल बनना चाहिए। आराम की तलाश में हम आम तौर पर जीवन में एक शांत कोना ढूंढते हैं जहां कम से कम संघर्ष होता है, और फिर हम उस एकांत में बाहर निकलने से डरते हैं। बनने की संघर्ष में मन की प्रक्रिया भय है। अच्छा बनने में बुराई का भय होता है, पूर्ण बनने में अकेलेपन का भय होता है। संकट दुनिया में बाहर नहीं है, यह हमारी अपनी चेतना के भीतर है। जब व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष में होता है तो उसे अनिवार्य रूप से बाहर संघर्ष पैदा करना चाहिए, और केवल वह ही अपने भीतर और दुनिया में शांति ला सकता है, क्योंकि वह दुनिया है। आखिर खुद को समझे बिना आपके पास सही सोच का क्या आधार है? एक आदमी जो डरता नहीं है वह आक्रामक नहीं है। एक आदमी जिसे किसी भी तरह का डर नहीं है वह वास्तव में एक स्वतंत्र शांत व्यक्ति है। आपका समाज या आपके माता पिता और शिक्षक आपको जो बताते हैं उसके अनुरूप होना बहुत आसान है। यह मौजूदा का एक सुरक्षित और आसान तरीका है, लेकिन वह जीना नहीं है। जीने का मतलब है अपने लिए यह पता लगाना कि सच क्या है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।